स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अनदर रिविजन क्लास। पिछली रिविजन क्लास में हमने सीखा था नॉमेनक्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिक नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, हमने सीख लिया नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, क्या करते हैं हम। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन हमारे नॉमेनक्लेचर की बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ CH3 होल ट्वाइस CHCH3 इज। अब देखो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं ना, होल ट्वाइस का मतलब गलत समझ जाते हैं, ठीक है। तो होल ट्वाइस लिखा होता है ना, तो पहले आप पूरे हमारे ग्रुप को खोलो कि क्या कंपाउंड गिवन है हमें। तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो मैं बताती हूँ आपको। या तो देखो CH3 होल ट्वाइस CH3 इस कंपाउंड के साथ है, तो ये वाला CH लिखते हैं पहले, और CH3 होल ट्वाइस मतलब इस कंपाउंड से हमारे पास दो CH3 हैं, ठीक है। तो इसी से दो CH3 कनेक्टेड है, एक CH3 इधर बना लिया और एक CH3 हमने इधर बना लिया। अब इसके बाद क्या है, एक और CH3 है ना, इस CH के साथ ये दो बना ली और लास्ट में वो CH3। तो ये बन गया हमारा पूरा कंपाउंड जिसका जिसको हमें नॉमेनक्लेट करना है। अब देखो हमारे पास पेरेंट चेन इसमें कितने कार्बन की बनेगी, या तो ये चेन बन गई हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि ये चेन बन जाएगी हमारे पास। इन दोनों में से एक चेन बनेगी ना, तो दोनों ही तीन तीन कार्बन की है। तो मैं सपोज़ एक ही चेन दे देती हूँ, दोबारा बनाते हैं हम इस कंपाउंड को, ठीक है। तो सपोज़ मैंने ले ली सिर्फ CH3 CH CH3 और CH3, ये था हमारे पास, और मैंने ले ली ये हमारी पेरेंट चेन। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से भी करें सेम नंबर होना है, तो 1 2 3। अब मैं आपको एक एक स्टेप करके नहीं बताऊंगी, इतना आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप खुद से अब देख सको कि नंबरिंग कहाँ से होगी, ठीक है। कहीं से भी करेंगे सेम नंबर आएगा। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, तो क्या नाम बनेगा हमारे पास, 2-methyl, ठीक है। 2-methyl देखो कौन से ऑप्शन में, 2-methyl स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है हमें, 2-methyl सिर्फ एक में ही है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी पार्ट 2-methyl प्रोपेन। और फिर भी दोबारा लिख लेते हैं, तो 2-methyl सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने कार्बन है हमारे पास पेरेंट चेन में, तीन। तीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप, और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो 2-methyl प्रोपेन और बी पार्ट बनता है हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो द IUPAC नेम ऑफ CH3CHOH CH2CH2COOH, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो देखो ब्रैकेट में जो हमको OH गिवन है उसका मतलब आप समझ सकोगे, अब क्या मतलब होगा उसका, उसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ हमारा एक OH कनेक्टेड है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो ना कि हमको कैसे पता चलेगा कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो वैलेंसी देख लो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। इसीलिए तो हम CH4 या CH3 CH2, ताकि वैलेंसी हो जाए बैलेंस। तो यहाँ पे देखो इसके पास एक कार्बन है, एक इधर बॉन्ड होगा। अब देखो बॉन्डिंग और हाइड्रोजन से हमें पता चल सकता है ना कि किसके पास OH जाएगा, क्योंकि उधर तो CH2 है तो उसके पास तो जा नहीं सकता, इधर हमारे पास CH है तो इससे कनेक्टेड है OH। तो क्या बनेगा ये हमारे पास, CH3 CH OH CH2 CH2 COOH, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। अब बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारे पास, OH है या COOH, हम बताओ क्या होगा इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा COOH, क्योंकि जब भी हमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप गिवन होते हैं ना, तो हमको एक सीरीज दी गई है पॉली फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम उस सीरीज को रेफर करते हैं, और उस सीरीज में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं COOH को। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास COOH बनेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, और OH बनेगा हमारे पास हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब हमारी पेरेंट चेन क्या बनेगी, पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आए, तो हमारी पेरेंट चेन मार्क कर लेते हैं, ये बनेगी हमारी पेरेंट चेन। स्ट्रेट चेन बन गई पेरेंट चेन हमारी, येलो कलर विजिबल नहीं है बट ठीक है, स्ट्रेट चेन हमारी पेरेंट चेन बनेगी। अब नाम लिखने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, अब OH हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, और OH सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग 1 2 3 4 5, वहाँ से नंबरिंग क्यों हुई,
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आता है। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे सब्सिट्यूएंट का नाम, तो सब्सिट्यूएंट का नाम क्या बनेगा, 4-हाइड्रोक्सी। अब 4-हाइड्रोक्सी किधर है, 4-हाइड्रोक्सी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बन गया हमारा करेक्ट आंसर। और पूरा भी नाम अगर हम इसका लिखना चाहें तो 4-हाइड्रोक्सी। अब 5 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, पेंट, 4-हाइड्रोक्सी पेंट। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और सी ओ एच को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो इसका क्या नाम बनेगा, 5-हाइड्रोक्सी, देखो सॉरी 4-हाइड्रोक्सी 5-कार्बन पेंट, 4-हाइड्रोक्सी पेंट एन ओइक एसिड। यही ना हमारा ये आंसर, 4-हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आता है हमारे पास, देखो द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। देखो पेरेंट चेन अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करने चलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। ठीक है, या तो हमारी पेरेंट चेन हम इसको मानेंगे, है ना, या तो इसको मानेंगे, लेकिन ये तो रह गया इस चक्कर में। अगर ये नहीं तो हम किसको मानेंगे, हमारी पेरेंट चेन। अगर ये नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हमारी पेरेंट चेन बन गई ये, लेकिन फिर ये रह जाएगा हमारे पास। और अगर हम कहेंगे कि हमारी पेरेंट चेन हमारे पास बनेगी, अगर हम कहें कि ये बनेगी हमारी पेरेंट चेन, तो ये रह जाएगा हमारे पास। तो ऐसे में हम क्या करें, जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ना क्या पेरेंट चेन में ना फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं लेंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेंगे ही नहीं पेरेंट चेन में। इंस्टेड हम ये स्ट्रेट चेन लेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा ना उसको लेंगे हम हमारी पेरेंट चेन में। और हमारी पेरेंट चेन क्या बन जाएगी, देखो हमारी पेरेंट चेन बन जाएगी इसमें ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। तो चलो अब ये तो हो गया, लेकिन अब ऐसे केस में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम यूज़ करेंगे स्पेशल सफिक्स। ठीक है, स्पेशल सफिक्स, जब मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स की टेबल लिखवाई थी, फंक्शनल ग्रुप्स वाली टेबल लिखवाई थी, तो उसमें साथ में स्पेशल सफिक्स भी लिखे थे अगर आपको याद हो, और मैंने कहा था हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, याद है। तो देखो ऐसे अभी सी ओ ओ एच है हमें, तो सी ओ ओ एच के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स जब भी लिखेंगे तो सी ओ ओ एच को हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। तो देखो अब पेरेंट चेन क्या बनेगी, ये या ये, मतलब पेरेंट चेन तो बनेगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से या यहाँ से, सेम आएगा नंबर, चाहे यहाँ से चलो या वहाँ से चलो। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी नंबरिंग मैं कर देती हूँ 1, 2, 3 हो गई नंबरिंग। अब सब्सिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोक्सी ओ एच, देखो ओ एच हमारे पास जब भी सब्सिट्यूएंट हो तो क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे बनेगा 2-हाइड्रोक्सी। अब देखो 2-हाइड्रोक्सी दिख गया यहाँ पे, 2-हाइड्रोक्सी, तो आंसर तो हमें पता चल गया ये होगा, लेकिन कंसेप्ट भी तो सीखना है ना। 2-हाइड्रोक्सी, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप 2-हाइड्रोक्सी प्रॉप एन, एन क्यों, क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो 2-हाइड्रोक्सी प्रॉप एन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, क्योंकि हम इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी प्रॉप एन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। ये चीज याद रखनी है। ये आया हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में देखो द स्ट्रक्चर ऑफ 4-मिथाइल पेंट 2-इन-1-ऑल, 4-मिथाइल पेंट 2-इन-1-ऑल, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें। अब वर्ड रूट क्या है, सबसे पहले देखो वर्ड रूट क्या है, पेंट, पेंट यानी 4 का 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, रुको 5 कार्बन पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम, 1, 2, 3, 4, 5 बन गए 5 कार्बन। अब देखो 4-मिथाइल पेंट 2-इन, मतलब जो दूसरा पेंट 2-इन-1-ऑल, ऑल यानी ओ एच, और फर्स्ट पोजिशन पे, तो या तो इधर मान लेते हैं या उधर मान लेते हैं, लेट अस सपोज इधर है हमारा फर्स्ट पोजिशन या उधर मान लेते हैं, क्योंकि सारे एग्जांपल्स में सॉरी ऑप्शन में उधर गिवन है, तो उधर मान लेते हैं। ठीक है, ओ एच या आगे हमारा ऑल। अब सेकेंड कार्बन पे इन यानी डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो 4-मिथाइल है स्टार्टिंग में,
तो टू ये हमारा थर्ड कार्बन, ये हमारा फोर्थ कार्बन, यानी इस पर मिथाइल, मिथाइल यानी CH3 है। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब वैलेंसी बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन तो लगा ही देंगे। अब हमको इस फॉर्म में गिवन है, ब्रैकेट की फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर। OH हम भी इसी फॉर्म में लिख देते ना, CH3 CH2। यहाँ पे तो CH आएगा ना हमारे पास, CH CH, और फिर इसके बाद फिर CH या C डबल बॉन्ड CH CH2 OH। यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं लिखा जा रहा, स्पेस कम है एक्चुअली, तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 2 के बाद नहीं है डबल बॉन्ड, 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 3 4, और इससे दो CH3 कनेक्टेड है, मतलब एक इधर एक इधर। तो यही तो है ना हमारा स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर बना इसके पास हमारा, बी, बी बन गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या है ये बताना है। चलो ये भी करते हैं। अब देखो पेरेंट चेन क्या बनेगी इसमें हमारे पास, या तो यहाँ से स्ट्रेट बन सकती है या ये बन सकती है, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दोनों में आना चाहिए, तो आ ही रहा है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सपोज ये ले ली मैंने पेरेंट चेन, मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, पेरेंट चेन हमारे पास बन गई, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। नंबरिंग इधर से करेंगे उधर से करेंगे बताओ, इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पे दोनों तरफ से सेम नंबर आएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, नहीं है मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर हम देखेंगे कि सब्सिट्यूएंट पे नंबरिंग देखो, इधर से करेंगे तो 2 आएगा, उधर से करेंगे तो 4 आएगा, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इस साइड से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सब्सिट्यूएंट का नाम लिखेंगे हम, 2 मिथाइल बन गया आंसर, लेकिन फिर भी पूरा देखते हैं। 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और देखो 2 और 4 पे ना फंक्शनल ग्रुप, 2 4 डाइऑल, ठीक है। तो क्लियर है आंसर यहाँ से भी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका IUPAC नेम बताना है। देखो पेरेंट चेन क्या बनेगी, या तो ये सीधी बन सकती है या फिर ये ऐसे बन सकती है। तो कैसे बनेगी पेरेंट चेन, देखो 1 2 3 4 5, स्ट्रेट में 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो बताओ सबसे ज़्यादा पेरेंट चेन में कार्बन सीधे जा रहे हैं या फिर जो नीचे को आ रही है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वाली में ज़्यादा कार्बन है। तो हमारी पेरेंट चेन बनेगी ये, और नंबरिंग कहाँ से, उधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है उधर हमारे पास। चलो पेरेंट चेन मार्क करके नंबरिंग कर देते हैं पहले हम। पेरेंट चेन ये करी हमने हमारी पेरेंट चेन मार्क, और नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हो गई नंबरिंग भी। अब देखो सबसे पहले सब्सिट्यूएंट, 4 मिथाइल, ठीक है। दो ऑप्शंस दोनों में चेक करते हैं, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, 4 मिथाइल हेक्स, 4 मिथाइल पेंट। तो बताओ अब हेक्स, यही बन गया हमारा आंसर, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हेक्स एन, सेकेंड पे ऑल है तो 2 ऑल, ओ से शुरू हो रहा है तो लास्ट में हमारा ई कैंसिल, तो हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर C, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग इज, अब इसका IUPAC नेम हमें बताना है क्या होगा। दोबारा से पेरेंट चेन सिलेक्शन, फंक्शनल ग्रुप है कोई नहीं है, ठीक है, नहीं है फंक्शनल ग्रुप, सब मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में देना। पेरेंट चेन कितनी बन सकती है हमारे पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 3 ऑप्शन है पेरेंट चेन के हमारे पास, तीनों में 4 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम इसमें कोई भी पेरेंट चेन दे सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, पेरेंट चेन अगर हमारे पास सब कुछ सेम आ रहा है
तो हम वो पेरेंट चेन लेंगे जिसमें हमारे पास ज़्यादा सब्सिट्यूएंट होंगे, ठीक है, ज़्यादा सब्सिट्यूएंट जहाँ पर होंगे। ये अगर हम लेते हैं तो कितने सब्सिट्यूएंट हैं, एक। अगर हम ये लेते हैं तो कितने सब्सिट्यूएंट हैं, वन एंड टू। टू अगर हम ये लेते हैं पेरेंट चेन तो कितने सब्सिट्यूएंट हैं, वन एंड टू, ठीक है। तो मतलब हम या तो ये लें या फिर ये लें, डजेंट मैटर, हमारा सेम नाम बनेगा क्योंकि दोनों में दो दो सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं। तो लेट अस सपोज मैं ये वाली ले लेती हूँ हमारी पेरेंट चेन, ये वाली मैंने पेरेंट चेन ले ली, या तो ये हमारी पेरेंट चेन बन गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर से नीचे से, ऊपर से क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, तो लो नंबरिंग भी कर देते हैं यहाँ पर हम, वन टू थ्री फोर, हो गई नंबरिंग। अब देखो एक है मिथाइल एक है इथाइल, पहले किसका नाम आएगा, पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल या इथाइल, इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। इथाइल कौन से नंबर पे, टू इथाइल, नाम कैसे स्टार्ट होगा, टू इथाइल थ्री मिथाइल, देखो टू इथाइल और तो किसी में है ही नहीं, तो अपना आंसर तो यही बन गया टू इथाइल थ्री मिथाइल। चार कार्बन है तो ब्यूट, वन पे इन है तो ब्यूट वन इन या फिर ब्यूटीन लिखो, डजेंट मैटर। तो क्या नाम बना, टू मिथाइल टू इथाइल थ्री मिथाइल ब्यूट इन या ब्यूट वन इन, और ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलते हैं आगे, देखो द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड आपको गिवन है, इसका आईयूपीएसी नेम हमें बताना है, सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। पेरेंट चेन क्या बनेगी, रुको रेड कलर दे देती हूँ मैं, ब्लैक में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अपनी पेरेंट चेन तो ये बन गई, ये अपनी पेरेंट चेन बन गई। अब कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, नंबरिंग में, क्योंकि हमको उस साइड गिवन है हमारा सब्सिट्यूएंट और इस साइड हमें गिवन है हमारा मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन किसको प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, वन टू थ्री, होगी नंबरिंग। अब बताओ क्या नाम आएगा सब्सिट्यूएंट का नाम, पहले सब्सिट्यूएंट क्या है, क्लोरो, कौन सी पोजिशन पे, थ्री, तो थ्री क्लोरो, देखो थ्री क्लोरो थ्री क्लोरो, इन दोनों में हमारे पास थ्री क्लोरो है। अब देखो थ्री क्लोरो प्रोपाइल या फिर प्रोप वन इन क्या आएगा, पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन में क्या यूज करते हैं हम, तीन कार्बन है तो प्रोप एन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है वन पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो क्या बनेगा, प्रोप इन या प्रोप वन इन, ठीक है। तो ये वाला तो जो है ना, ये तो हो गया हमारा गलत, प्रोपाइल भी तो नहीं, प्रोपाइल तो नहीं लिखेंगे हम, प्रोपाइलिन तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, थ्री क्लोरो प्रोप वन इन। तो अपना करेक्ट आंसर है डी, थ्री क्लोरो प्रोप वन इन, फाइन। तो चलते हैं हम अपने और अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो अरे बड़ा हो जा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो चलो देखो, ये हमारा कंपाउंड है, स्ट्रेट पेरेंट चेन बन गई, तो पेरेंट चेन चलो मार्क कर देती हूँ मैं, फिर भी स्ट्रेट पेरेंट चेन हमारी बन गई। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताओ, नंबरिंग देखो उधर से इधर से, ये मल्टीपल बॉन्ड है, दो दो मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड पे नंबर आएगा वन टू, यहाँ से करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड पे नंबर आएगा वन। अब पता है इस क्वेश्चन में ना बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। यस हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं जब हम नाम लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग में तो हम ऑल ओवर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे ना, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, है ना। तो यहाँ पे देखो जो मल्टीपल बॉन्ड है वहां से वन आ रहा है, यहाँ से टू आ रहा है, नो डाउट नाम हम नाम लिखते टाइम पहले हम लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन हमको नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड देखने कहाँ से क्या प्रेफरेंस मिल रही है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से। तो क्या नंबरिंग, रुको नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, हो गई नंबरिंग। अब देखो कितने कार्बन है हमारे पास, पांच, पांच के लिए पेंट, सब में ही पेंट है, ठीक है। तो अब देखो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो थ्री इन पेंट, थ्री इन और सिंग थ्री इन और ये वन वन आइन, वाई से शुरू हो रहा है तो ई कैंसिल, ठीक है। तो अपना आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर करेक्ट आंसर। तो चलो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन,
आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपका स्पेशल सफिक्स का भी जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।